ए नाब पण तारे नहीं आकार मां सिद्धार्थ ज्ञानी सुका ने बहु बहु दोयलो मुझे पुण्य राशि पड़यो हो गुरु कहाने तू नाभ अहो भक्त चिदात्माना सिमन्धर वीर कुन्दना वायान्तर विभवो तारा तारे नाभ मुमुक्षुना सदा दृष्टितारे विमलनिज चैतन्य निर्खे अने माहि पर्याय विलसे निजालम्बि भावे परिणति स्वरूपे निहेबारो चित् गन विषे विषेकाय न मणे है सत सत ज्ञान वज्रवा नहीं छूटे जीव जी सुमुख सुसत्व जड़ते पर टूटे राग द्वेश रुचे न जंप न बड़े षमाङ्कोतिकम्प ज्ञान महिमा हृदये रहे सर्वदा नित्ये सुधा जरन, चंद्र, तने नमो करुणा अकारण समुद्र तने नमो हे ज्ञानपोष कसुमेघ तने नमो आ दासना जीवन शिल्पी तने नमो ऊं डे ऊं डि सुखनिधि सतना वायुनित्ये वहन्ति वाणी चिन्मूर्तितारी उर अनुभवना भावो भरली भावोपुण्डाविचारी अभिनव महिमा चित्तमा लि लिखलु मन रत्न पनर मनो पूर शक्ति साणी पूर शक्ति साणी बहुत सुंदर चेतना बहन बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका स्वागत है हाँ जी बधाने जय जनैन बधानो जय जय शुरू करें शुरू की जाए जी। नमो ണം സിഥാണമോരി നമോണം നമോ ലോയസം वन्दे तु सौ असिद्धे दूरमचलमणोमं गनिपथे ओच्छामि समय पाहुडे मिल्मो सुदकेवले वणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते इत्सोवावाय भावाय, भावाय सर्वभावान्तरचिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव आशताम् निसंग है जो आयु सम निर्लेप हैं आकाश से निज आत्म में व्यरत जीवन पर आस से जिनके निकट सिंह दि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु एक मिनट त्रिकालवर्ती सर्वपञ्चपरमेष्ठी भगवन्तो की जय हो त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्रचैत्यालयोऽपि जयः त्रिकालवर्तिनी नित्यबोधिनी द्वादशाङ्गमयी जनवाणी माता की जय हो वर्ती तीन कम नौ करोड़ मुजों की जय हो परम करी श्री सदगुरुदेव की जय हो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार बहुत खोला है पूज्य गुरुदेव श्री ने हाथ पर रख करके शुद्ध त्रिकाली गायक भगवान आत्मा को बताया और ये जो गाथाएं हैं समय सार की जो अभी अपने स्वाध्याय का विषय है इस समय के प्रकरण के अनुसार ज्ञान का स्वरूप ज्ञान का स्वभाव और जानने की प्रक्रिया बड़ी गजब बताई जितना सुनो गुरुदेव श्री के उतना कम है और अब सामने लालचंद भाई का बोल रखा है चौतीस अच्छा। नंबर का कुशल जी जी अभी अरुण आज आप अपने वो गाथाओं लेने वाले हो कि ये लेने वाले नहीं जैसा आपको मेरा तो सबका हो गया हो गया अच्छा। मुझे तो स्वामी जी का भी सुन ही रहा था आप बताए क्या लेना

तो सिक्स फाइव एट नंबर का पेज है मेरे कोटा वाले एडिशन में है ना तो आज इसको कंक्लुजन हाँ, कर, कर लेते हैं पूरा आगे, कर रहे हैं हाँ। मैं प्रोजेक्ट करेंगे आप शेयर करेंगे मेरा हुआ नहीं है मेरे पास वो उसका डाउनलोड किया नहीं है हम्म गुजराती ले लो गुजराती टू ट्वेंटी टू गुजराती है ना आपके पास कुशल जी श्लोक टू ट्वेंटी समय सर पढ़ता हूं तब तो तक तो. पूर्णाच्युत शुद्ध बोध महिमा बोधो न बोध्यादयं या यात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाशाद्दिव यद्वस्तु स्थितिबोधवन्द्यधिषणा एते किमज्ञानिनो रागद्वेषमयी भवन्ति सहजां मुच्यन्त्युदासीनताम् एक त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञान घनात्मा निर्विकार है और उस चैतन्य आत्मा के अनुभव की महिमा कुछ अलग है वो तीन लोक से अलग है न्यारी है भिन्न है अलौकिक लेकिन अनुभव के अलावा चैतन्य गायक भगवान आत्मा उसका जो ज्ञान है वो उस ज्ञान की महिमा भी कुछ अलग है जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा वो कोई अलौकिक है उसका ज्ञान भी अलौकिक है उसके ज्ञान गुण की जो जानने की प्रक्रिया है वो भी कुछ अलग है कहते हैं उस प्रक्रिया में द्वेष नाम की कोई विकृति नहीं होती ज्ञान के कारण से विक्रिया नहीं होती विकार नहीं होते और गेय पदार्थों से भी विक्रिया नहीं लो क्या कहते हैं कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा को नहीं जानो तो उसमें कोई विकार नहीं होता और जानो तो उसमें कोई विकार नहीं होता त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा सदाकाल एक रूप रहता है ऐसे ही बाहर के पदार्थों को जानने से उसमें कोई विकार नहीं होता और नहीं जानने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये जीव ये जानता है मानता है अनादिकाल से कि परद्रव्य के कारण से मुझ में विकार होते हैं तो जो गेय पदार्थ है उन गेय पदार्थों को जानने से उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता और जानने से आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता ये दूसरी बात ये पहली पंक्ति में बताता बोध महिमा जीव की जानने की जो ज्ञान प्रक्रिया है उसकी महिमा कुछ अलग है बोध्यात अयम बोध है मतलब पदार्थों का जो ज्ञान है उस ज्ञान से यायात नहीं होता न यायात काम अपी विक्रिया कुछ भी विक्रिया का कार्य नहीं होता अतः इतो इसलिए जैसे दीप प्रकाशा दीपक ने पदार्थों को प्रकाशित कर दिया ट्यूबलाइट ने लाइट ने पदार्थों को प्रकाशित कर दिया तो पदार्थ प्रकाशित हो गए तो वो तुम्हारे लिए हो गए पदार्थ में उससे कोई विक्रिया नहीं हुई ऊपर है।, है ना ऊपर हाँ ऊपर ऊपर डाउन माने नीचे हाँ हाँ श्लोकार श्लोकार हाँ जी श्लोकार एक अच्छ शुद्ध ऐसा जो ज्ञान है पूर्ण एक अच्त और शुद्ध ऐसा जो बोध मतलब ज्ञान है उस ज्ञान की महिमा उस शुद्ध बोध रूप ज्ञान की महिमा ऐस ये जो महिमा है ऐसा अयम बोध ऐसा जो ये गायक आत्मा है आत्मा बोध्यात, गैरूप पदार्थों से काम अपी विक्रिया नहीं आयात किसी भी प्रकार की विक्रिया को वो प्राप्त नहीं होता स्वामी जी ने यहाँ भावार्थ के आधार पर दो तीन पॉइंट ले लिए पहला पॉइंट तो ये है कि जाननार तो जाने छे दूर छे के नजदीक छे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूर हो के नजदीक हो केवल ज्ञान पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया कि केवल ज्ञान जानने का कार्य करता है पदार्थ दूर है तो कुछ धुंधला जानता है ऐसा नहीं नजदीक है तो कोई अच्छा जानता है ऐसा नहीं लेकिन उसका जो कार्य है जानने का वो जानने का काम करता है अब आगे दूसरी बात ये कहते हैं कि पदार्थों को जानने से उन पदार्थों को कोई फर्क नहीं पड़ा जो पदार्थ जैसा है वैसा ही रहता है वो पदार्थ प्रकाशित तो हुआ तो उसमें कोई फर्क पड़ा वो ऐसा नहीं है दो सौ बाईस नंबर इससे पहले की गाथाएं जो थी थ्री सेवन थ्री थ्री एट टू इन गाथाओं में ये बताया था कि जो बाह्य पदार्थ है वो पदार्थ तो जीव को आकर के ये नहीं कहते कि तुम हमको जानो और जीव पदार्थ अपनी जगह को छोड़ करके वहां नहीं जाता उनको जानने के लिए ये अपने में रहता है पदार्थ पदार्थ में रहते हैं पदार्थों से पदार्थों के जानने से न पदार्थों को फर्क पड़ा नहीं जानने से उनमें कोई दिक्कत आई है ऐसा भी नहीं हमेशा अपने प्रयोजन की सोचो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को नहीं जानने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जानने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और बाहर की पदार्थों की तो बात छोड़ो अपने भीतर विराजमान अनादिकाल से विद्यमान आज तक भी दो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ है वो ज्ञान को नहीं कहता है कि तू मेरा ही ज्ञान है मुझे जान ज्ञान उनको जानता है तो ज्ञान को फर्क पड़ता है अतिय आनंद अतिय सुख की प्राप्ति होती है ये बात बाहर भी घटा लेना आगम की भाषा में बाहर के पदार्थ ये नहीं कहते कि तुम मुझे आकर के जानो ज्ञान भी अपनी जगह से हट करके वहां जानने के लिए नहीं जाता है तीन सौ तिहत्तर से तीन बयासी तो एक बात काम की है जो इस श्लोक का सारांश है आत्मा अपनी जगह छोड़ करके जानने के लिए जाता नहीं वो पदार्थ आत्मा को कहते नहीं है ज्ञान को कहते नहीं कि तुम हमको जानो और इस श्लोक में कहते हैं कि बाहर के पदार्थों को जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा स्वभाव से उनको जानता है वो पदार्थ दूर है क्या नजदीक है स्वामी जी ने तो बहुत उदाहरण दिए है ना मोहन पाक हलवा उड़ी स्त्री धन बहुत सारे उदाहरण दिए वो पदार्थ ये नहीं कहते कि तुम हमको जानो और आत्मा उनको जानने के लिए नहीं जाता नहीं तो प्रश्न बहुत बड़ा उत्पन्न होता है ये पदार्थों से विकार उत्पन्न होता नहीं आत्मा जानने के लिए जाता नहीं तो ये सारे विकार उत्पन्न हुए कहाँ से तो उसके लिए दो शब्द लिखे हैं है ना ये है सिक्स सी, सिक्स जीरो पेज कुशल भाई निकालो सिक्स जीरो पेज तात्पर्यृत्ति टीका इससे नेक्स्ट पेज है सिक्स फाइव एट पर आप है हा तात्परिवृत्ति टीका सिक्स सिक्स जीरो तात्पर्य वृत्ति टीका इसमें थोड़ी होगी ये तो अच्छा इसमें नहीं चलो चलो नहीं, नहीं, नहीं इसमें नहीं।, नहीं, है वो आप कोटा वाली हाँ, किताब में है हाँ हाँ चलो चलो मैं बता देता हूँ मैं दो बता देता हूँ तात्पर्य वृत्ति टीका में इसका जवाब दिया कि ये रागद्वेश कहा से जन्म लेते हैं तो उसमें एक शब्द आया कि इंद्रियम इंद्रिय मनोज्ञ विषय राग द्वेशो मिथ्या ज्ञान परिणत एवं जीव करोती समझ में आ गई बात शांति भाई भाई के शांति भाई है ना देखो सुनो आगे शांति भाई कहते हाँ शांति भाई ये शांति भाई बात ये है कि जीव अपने अज्ञान के कारण से और अपने मिथ्यात्व कारण से स्वयं ही राग द्वेष रूप परिणमित होता यह सार है इन गाथाओं का टीकाओं का कि पर पदार्थ जीव को आज फोर टू सेवन नंबर का जो जो गुरुदेव श्री का प्रवचन है अभी सुन ही रहा था आपके आने से पहले भी और सुबह भी सुना तो गुरुदेव श्री की तो बात ही नहीं रह जितनी बार सुनो अमृत घुलता रहता है ऐसा लगता है कि वही बात हम कह रहे और पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं तो उनकी पवित्रता और पुण्य के उदय से उनकी वाणी में यही बात इतनी मीठी लगती है हुँ? और अपने हीन पुण्य के कारण से पवित्रता की कमी के कारण से बात वही है हमारा भाग्य है कि ऐसा वक्ता ऐसा महापुरुष हमको मिला सार ये बताया उस गुरुदेव श्री ने कि आचार्य जैसे भी यही बात कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री ने वही बात बताई अमृत चंद्र भी वही बात कहते हैं। कि फिर तो श्लोक वही निकाल लीजिए टू 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 नंबर का कि जो विकार होता है वो विकार मिथ्या और अज्ञान के कारण से तो अब यहाँ इन गाथाओं में ये बताया इस श्लोक में ये बताया कि जो मिथ्या और अज्ञान है त्रिकाली ध्रुव चैतन्य को नहीं जानने से नहीं बल्कि ज्ञान की प्रक्रिया को नहीं जानने से है ओ शांति भाई पकड़ में आ गई बात यहाँ ये कहते हैं कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को जानने से जो अज्ञान है मिथ्यात्व तो है वो तो है ही लेकिन इन गाथाओं में मूल बात पकड़ में लेना इसको कि ज्ञान की प्रक्रिया को भी जानिए जीव तो रागवेश उत्पन्न नहीं हो बात समझ में ये बहुत बड़ी बात है समझ सको तो आगम की भाषा की बात कि ज्ञान की प्रक्रिया भी आप समझ लो तो पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरे प्रवचन में यही बात समझाई कि पर पदार्थ तुम्हें ये नहीं कहते कि राग द्वेष करो तुम स्वयं ही कल्पना करके पूजो गुरुदेश ने कल्पना कल्पना करे छे है ना ठीक लागे ये माने गमे छे, ऐसे ये जीव जगह जगह हर समय बाह्य पदार्थों पर आरोप करके अपने ज्ञान का प्रयोग करता है दूसरी बात कल्पना करके ज्ञान का प्रयोग करता है इसलिए द्वेष उत्पन्न होते हैं समझ में आ गई बात आ गई होगी आगम में भी मतलब श्री का भी पूरे का निचोड़ मुझे यही समझ में आ गया कि जो जानने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में यदि तुम द्वेष मिथ्या तो अज्ञान का मेल मिलाप नहीं करो तो तुम्हारा ज्ञान तो शुद्ध है। जैसा ज्ञ पदार्थ उनको जानता है उसमें उत्पन्न होने का कोई ही नहीं है क्योंकि वो गे है तुम ज्ञाता हो और और ज्ञाता गे में जानने की प्रक्रिया तो सहज होती है रागद्वेज बीच में आए कहाँ से तो गुरुदेव श्री उसको बहुत फरमाते हैं महिला का उदाहरण दे करके और आपका जो आ, मोहन पाक है उसका उदाहरण दे करके कितने उदाहरण दे करके इतना ही बताया कि जानने की प्रक्रिया भी ढंग से जान लो तो आपके राजदेश नहीं होंगे तुम क्या करते हो कि कल्पना करते है ना कि भाई ये तो ठीक ये अठीक ऐसी कल्पना करके ये कल्पना हाँ जी स्वामी जी का तो ये कहना था साहब जो मेरे समझ में आ पकड़ में आ गई बात और फिर उस एंगल से विचार किया तो वास्तव में बहुत सही है और हाँ, इस, तो, इस श्लोक में यही बताया राग तो पंडित जी ये खास हाँ, में ये प्रश्न ही बना के छोड़ दिया कि वो उदासीनता हाँ, उदासीनता उदासी क्यों छोड़ता है और रागद्व हाँ, क्यों करता है हाँ, तो जवाब तो इसमें है ही नहीं वो जैसे जी ने दिया क्या हाँ जी जो हाजे। और अज्ञान के कारण वो जो आप बता रहे थे हाँ जी हाँ जी तो वो वो इसमें श्लोक में नहीं है अच्छा, यहाँ तो प्रेरणा दी है तो थ्री सेवन थ्री से लेकर के थ्री एट टू तक जो गाथाएं थी उनमें ये सारी बात आ गई थी जीव छोड़ के अपना स्वरूप छोड़ के जाता नहीं वो पदार्थ कहते नहीं है कि तुम तो हमको जानो लेकिन फिर भी ये जीव विक्रिया को प्राप्त होता है स्वामी जी ने जो अर्थ निकाला है देखो आपके टीका निकालो इससे पहले दो लाइन पहले दो लिटी पहले कि ये टीका टीका, टीका टीका बस ये 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 तो इस लास्ट शब्द देख लो कि राग द्वेशो यद अज्ञानम तो राग द्वेश क्या है रागदेश ये चारित्र गुण की परिन, विकार परिणति है ये तो आगम है खरे खर आध्यात्म की भाषा में वो क्या है ये अज्ञान, अज्ञान है इसे ठीक ऊपर देखो संस्कृत में कि कल्पेरन हाँ पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन ये पद इसी पर चला आज कि ये ये जो जीव है कि ये जीव बाहरी बही अर्था न मनागपी गि विक्रियाय कल्पेरन इसमें से अर्थ पूज्य गुरुदेव श्री के दिमाग में था मुझे पता चला उसमें से पूरा प्रवचन स्वाध्याय कराया कि ये जीव बाहर के पदार्थ बहिर्थ शब्दादय बहिर्थाह न मनागपि विक्रियाये कल्पेरन बाहर के पदार्थ किंचित अंश मात्र भी मतलब निन्यानवे परसेंट कर्म का उदय एक परसेंट जीव का जो अज्ञान है वो ऐसा नहीं जीव का अज्ञान निन्यानवे परसेंट और कर्म का उदय एक परसेंट ही। ये भी नहीं ये स्वामी जी ने बहुत खुल करके बताया उसके आगे ये कहते हैं कि द्वेष उत्पन्न होता है ये शुद्ध और हंड्रेड परसेंट ये जीव का अज्ञान है स्वाध्याय करते हुए भी अज्ञान है पदार्थों को जानते समय भी अज्ञान है और पदार्थों को जानते समय अज्ञान कैसा कि ये जीव कल्पना करता है कल्पना करता है कि ये मैंने ठीक है ये मैंने अठीक है ऐसी वो जीव ये अज्ञानी जीव कल्पना करता है प्रक्रिया देखो तो पदार्थों में राग द्वेष नहीं पदार्थों को निमित्त बनाने पर भी राग द्वेष नहीं और अंतरंग में त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा उसमें द्वेष नहीं पर्याय में जो द्वेष आए और तो पर्याय में जो द्वेष पाए जाते हैं ये जीव का अज्ञान, अज्ञान है तो अज्ञान कहाँ से आया अनादि काल से देखो ऐसा लिखा है कि शुक्ल ध्यान पर द्रव्य को जानते समय भी होता है मोक्ष और प्रकाशक में दो सो नंबर के पेज पर इस तरह से खुलासा किया है कि परद्रव्य को जानते समय भी आ, असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती जब तक वीत रागता रहती है तब तक निर्जरा होती है जैसे राग का परिणमन होता है निर्जरा बंद हो जाता बात समझ में आ गई कि स्व को जाने के पर को जाने वीत रागता सहित तो जाने तो निर्जरा चलती रहेगी लेकिन पर को जानते समय यदि रागद्वेश उत्पन्न होते हैं ये रागद्वेश उत्पन्न करता है तो वहां असरो बंद और जीव के विकार ही होते हैं बात समझ में तो प्र, प्र, प्रदीपवत उदासीनता यही हमारा हाँ कार्य है जीव का शुद्ध कार्य प्रदीपवत हाँ, उदासीनता हाँ क्या लिखा है इसमें एक शब्द और जोड़ना की ये तो जीव का स्वभाव है उदासीनता वूधरदास हाँ जी भूधर जी ने तो ऐसा लिखा है कि साता की सहेली अकेली उदासीनता कि साता की सुखी रहने की जो शैली है वो शैली वो उदासीनता मात्र है उदासीन 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 रहना किसी में राग से कल्पना नहीं करना राग द्वेश क्योंकि कोई पदार्थ न राग का हेतु है न कोई पदार्थ द्वेश का हेतु है पदार्थ तो पदार्थ है कोई कर्म का उदय कोई परिस्थिति न राग रूप है न द्वेश रूप है वो तो गेय रूप है समझ में आ गई बात उस गे को गे जानो और उस गे से अपने को भिन्न ज्ञायक ही जानो तो मेरे ये पदार्थ न इष्ट है न अनिष्ट है पदार्थ तो गेय है मैं गायक 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 हूँ त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ध्रुव पदार्थ हूँ पर्याय में अपने सत्ता स्थापित करना अपने आप को जानने वाला मानना ये भी अज्ञान है त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की दृष्टि करना उसी में गायकपना अनुभव करना ये वास्तव में मोक्ष की परिणति है सुख का आधार त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है और आत्मा विकार रहित है इसलिए मैं विकार रहित हूँ ये तो अध्यात्म की बात है यहाँ आगम की बात बताते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया को भी आप देखो तो आप पदार्थ जो हो मेरे ज्ञान के गे हो न आप इष्ट हो ना, ना अनिष्ट हो ये तो मेरा साध्याय सुनते हैं मेरा तो क्या है लेकिन ये जिनवाणी का स्वाध्याय है, सुनते हैं अच्छा है व्यवहार में कहना अच्छा है सिद्धांत में मानना गड़बड़ है देखो एक तो होता है सिद्धांत भ्रष्ट और एक होता है चारित्र जो भक्ति से मुक्ति माने वो सिद्धांत भ्रष्ट है और जो भक्ति ही न करे वो चारित्र भ्रष्ट है लोक व्यवहार में शांति भाई को अच्छा कहना रजनी भाई को अच्छा कहना कुशल भाई को अच्छा कहना अंकित भाई को अच्छा कहना ये अच्छा कहना ये व्यवहार है चारित्र है लेकिन सिद्धांत में ये अच्छे हैं ऐसा मानना ये सिद्धांत से भ्रष्टता कोई पदार्थ इष्ट नहीं कोई पदार्थ अनिष्ट नहीं ये सिद्धांत वाली बात इसमें बता। कि जीव जब सिद्धांत के रूप में ये जाने कि कोई पदार्थ इष्ट नहीं यहाँ तक कि तीर्थंकर परमात्मा तो उनकी प्रतिमा वो भी इष्ट नहीं मेरे लिए तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा ही इष्ट है उसी इष्ट में, में मेरा उपयोग जाता है लेकिन क्या करे वहां टिक नहीं पाता हूं तो जनवाणी का आश्रय लेते हैं पूजन का आश्रय लेते हैं दर्शन का आश्रय लेते हैं तो ये व्यवहार में राग द्वेष हो जाना अलग बात है और करना अलग बात कि राग द्वेष करके जानना वो सिद्धांत विरुद्ध बात ये करते हैं श्लोक पूरा ये वास्तव में ज्ञान की प्रक्रिया जानो तो ज्ञान की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जीव को विकार उत्पन्न नहीं, नहीं कराते पहले कि चैतन्य गायक भगवान आत्मा का और उसकी उसके ज्ञान गुण की महिमा यह है कि गेय पदार्थों से शब्द है गेय पदार्थ गेय पदार्थों से अयम यह चैतन्य गायक भगवान आत्मा किम अपी, काम अपी, न किसी भी प्रकार प्रकार की विक्रिया मतलब विकार को प्राप्त नहीं होता नहीं? तो जैसे दीप प्रकाशादि जैसे जो पदार्थ प्रकाश है जिन पदार्थों को प्रकाशित किया गया दीपक दीपक ने प्रकाशित किया उन पदार्थों से जैसे दीपक विक्रिया को प्राप्त नहीं होता ऐसे ज्ञान भी गेयो से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता है तीसरी पंक्ति तद वस्तु स्थिति बोध वंदीषण लो ये वस्तु स्थिति शब्द है पूरे श्लोक का सार वास्तव में देखा जाए तो वस्तु की स्थिति को देखा जाए तो ज्ञान की स्थिति को देखा जाए और गेय की स्थिति को देखा जाए शब्द है वस्तु स्थिति वस्तु स्थिति ज्ञान की स्थिति वस्तु स्थिति गेय की, की स्थिति तो ज्ञान और गेय की स्थिति तो देखो तो उनका बोध मतलब यथार्थ ज्ञान कर लो उनका यदि यथार्थ मतलब जानने की प्रक्रिया का यथार्थ बोध कर लो यथार्थ ज्ञान कर लो तो विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन वन्दे धीशना जिस जीव को 45 वर्ष हो गए स्वाध्याय करते करते 10-20 वर्ष हो गए स्वाध्याय करते करते लेकिन उसको ज्ञान और गेय की जानने की प्रक्रिया की स्थिति का ही नहीं पता प्रक्रिया का नहीं पता गेय का नहीं पता और वस्तु का नहीं पता चैतन्य वस्तु का नहीं पता ज्ञान का नहीं पता ऐसा जीव कैसा है कि उसकी बुद्धि अभी इतनी सी बात नहीं जान पाई कि परद्रव्य के कारण से विकार नहीं ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभ से ज्ञान नहीं है ना और वस्तु के त्रिकाली शुद्ध चैतन्य के अनुसार विचार करो तो पर्याय में विकार नहीं वंदे शब्द वंदे रहित है ना कि किससे रहित कि जिसको स्थिति का बोध नहीं है तत्व ज्ञान नहीं है जानने की प्रक्रिया का बोध नहीं है ऐसी है धीषणा धी कहते बुद्धि को कि जिसकी बुद्धि ऐसी हो गई है, है? हिंदी गुजराती में वो अर्थ नहीं आया भीषणा का आया है क्या रजनी भाई नीचे बुद्धि शब्द है कि जिनकी बुद्धि ऐसा जिनकी बुद्धि बोध धीसना मतलब एक जिस तरीके से शब्द लिखे उसकी तरीके से अर्थ करो, तो दी मतलब बुद्धि है जी धी मतलब दी बुद्धि दी मेरा प्रश्न तो ज्ञान तो होता है क्या हुआ हाँ हाँ ये धीसना इसमें जैसे आहार की इच्छा को एष्ना कहते अच्छा ऐसे ही जिसकी बुद्धि की वासना ऐसी है अच्छा बुद्धि की वासना ओके। और अनादि से जीव की बुद्धि की वासना त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा को स्वीकार नहीं करती और पर से विकार मानती है मतलब अंदर भीतर भी अज्ञान है और बाहर के गए पदार्थों में भी अज्ञानी है अरे प्रभु समझ में आ गई बात कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा से ये बुद्धि रहित है त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा का अनुभव नहीं करती और बाहर के पदार्थों को आ, ऐसा मानती है कि इनकी वजह से मेरे विकार उत्पन्न हुए हैं बात समझ में तो तो आ गई ऐसी है वो इसीलिए मूल संस्कृत पढ़ते हैं तो विशेष आते हैं कुशल जी थोड़ा नीचे करो ना श्लोकार्थ में दीक्षा शब्द में लिखा होगा हाँ बस 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 नहीं बुद्धि लिखा है बस अच्छा अच्छा ठीक है ओके नहीं, नहीं। आ, अच्छा जैसे जी ने मिथ्या ज्ञान एक शब्द लिखा है ना तो मिथ्या ज्ञान से परिणमित जीव एक अर्थ तो ये होता है जो नीचे गुजराती हिंदी में अर्थ किया दूसरा मिथ्या और अज्ञान से परिणत जीव बात समझ में आ गई एक तो एक त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा के ज्ञान से रहित होना यह मिथ्यात्व है और जानने की प्रक्रिया को नहीं जानना यह दोनों बातें त्रिकाली शुद्ध हाजी त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा के अर्थात अपने स्वरूप से अनजान रहना ये मिथ्यात्व है <hablando> और बाहर की जानने की जो प्रक्रिया है पदार्थों की उस प्रक्रिया से अनजान रहना या ज्ञान है मतलब भीतर त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को जानो तो अतन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है और बाहर के पदार्थों को जानने की प्रक्रिया को जानो तो तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है एक तरफ अतिय ज्ञान उत्पन्न हो रहा दूसरी तरफ तत्व ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तब तो पकड़ में आ गई बात ये आत्म आत्मानुभूति आत्म आत्मा का ध्यान आत्मा का ज्ञान आत्मा का अनुभव ये सब जितने भी है ये अत ज्ञान के पर्यायवाची नाम है दूसरा बाहर में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नो हड़ नहीं न थी एक द्रव्य की पर्याय दूसरी पर्याय में प्रवेश नहीं करती पर कि पर्याय से मेरी पर्याय गुण द्रव्य में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता ऐसी वस्तु की जो स्वतंत्रता है दो द्रव्यों की जो भिन्नता है ऐसा जानना ये तत्व ज्ञान है मतलब टोडर मल्य ने आगम की भाषा में मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा वो जगह जगह ये कहते हैं कि तत्व ज्ञान से कषाय की मंदता होती है और वस्तु को जानने के लिए तत्व ज्ञान होना जरूरी है जग 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 वो लिखते हैं कि नहीं नहीं बोलना मौन नहीं है। मौन है, से से या से निर्जरा नहीं होती है जहां बोलने का अभाव होता है मतलब त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा में जब एकत्व तो स्थापित होता है उसका अनुभव होता है उस काल में जो नहीं बोला जाता उसको मौन कहते हैं उसी को गुप्ति कहते हैं और उस शुद्धोपयोग के कारण से निर्जरा होती है चुप रहने से निर्जरा नहीं होती है नहीं बोलने से निर्जरा नहीं होती है ऐसा समझा करके वो जगह जगह लिखते हैं कि तत्व ज्ञान से निर्जरा होती है तत्व ज्ञान का मतलब अंतरंग में शुद्धोपयोग को प्रकट करना और बाहर में जैसा आगम का आदेश है वैसा मानना उसको तत्व ज्ञान कहते बड़ी बातें हैं स्वामी जी ने हर बात खोल करके सामने रखी है ये, ये बाहर की क्रिया का नाम नहीं है शुद्धोपयोग की वृद्धि का नाम गुणस्थान की वृद्धि है शुद्धोपयोग में रहना यही गुणस्थान है चौथे तो से लेकर के आगे की बात समझना तो कहने का मतलब ये है कि इतना सुगम और सरल मार्ग है और उस मार्ग की प्रक्रिया भी सुगम और सरल है संस्कृत में अनेक अर्थ खुलते हैं मिथ्या और नीचे तो ट्रांसलेशन ही पढ़ना है ना आपको है ना और हमको खुली छूट है तो उसमें से जितने अर्थ निकल सकते हैं निकल करके अपने शुद्ध चैतन्य के प्रयोजन को पुष्ट करना है पढ़ते तीसरी पंक्ति वस्तु स्थिति बोध बोधवंदीषण वस्तु की स्थिति अर्थात ज्ञान गेय की स्थिति त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा उसके ज्ञान पर्याय और उस ज्ञान पर्याय में बनने वाले गे जो बाह्य पदार्थ है उसके तत्व के अर्थात उनकी जानने की प्रक्रिया से रहित है बुद्धि जिनकी ऐसे ये किम अज्ञानी न ऐसे जो अज्ञानी जीव है राग मई ये राग द्वेशमय पने को किम भवंती राग द्वेष परिणमित क्यों होते हैं प्रश्न है क्वेश्चन है आचार्य का अज्ञानी जीवों से आचार्य प्रश्न करते कि प्रभु ये बात देखो स्वरूप में राग द्वेष नहीं बाहर के पदार्थों में राग द्वेष नहीं कर्म के उदय राग द्वेष कराते नहीं है तो फिर तुम द्वेष रूप परिणमन क्यों करते हो क्यों अपने को अज्ञान में डालते हो उस अज्ञान में डालने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है जिस समय ये जीव पदार्थ से राग द्वेष करके अज्ञान रूप परिणमित होता है उसी समय यदि ये जीव अपने शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा का अनुभव करे और अनुभव न करे सविकल्प दशा में भी रहे जैसे नचारी की टीका में बात यह है कि जब तक अज्ञान है तब तक राग द्वेष है दोबारा जब तक अज्ञान है तब तक द्वेष है है ना तो मतलब चौथे गुण स्थान में ही रागद्द्वेष का अभाव होता है उसका अर्थ है अर्थना बुद्धिपूर्वक रागद्वेष का अभाव होता है बुद्धिपूर्वक ही संसार का कारण है अबुद्धिपूर्वक रागद्वेश संसार का कारण नहीं है मोक्ष की देरी के कारण है मोक्ष में थोड़ी देरी हो जाएगी बस इतनी सी बात है है ना कि अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोक्ष प्राप्त होने की देरी का कारण है यू नहीं है कि स्पीड कम हो सकती है लेकिन चाल बंद नहीं होती गति बंद नहीं होती है होती है ना देरी लग जाएगी लेकिन पहुंच जरूर जाएगा लेकिन बुद्धिपूर्वक जो राग होते हैं जो अज्ञान दिशा में ही होते हैं चौथे गुणस्थान से पहले पहले होते हैं सम्यक दर्शन से पहले पहले होते हैं वो बुद्धिपूर्वक जीव को संसार में भ्रमाते हैं समझ में आ गई बात रागद्वेश मई किम भवंती अज्ञानी ना ये अज्ञानियों तुम तुरंत ही अज्ञान को छोड़ो हम्म सहजाम न? न? ए जो सहजाम उदासीनता किम मुंचंती अरे तुम सहज उदासीन स्वरूप हो कर्म विकार नहीं कराते पर पदार्थ बुलाते नहीं विकार के लिए तुम्हारा ज्ञान जानता है तो भी तुम्हारा स्वभाव राजद्वेश का नहीं है यदि तुम स्वामी जी ने भी लिखा है मतलब स्वाध्याय में आई थी ये बात स्वरूप स्वरूप ने परिणमता अपने स्वरूप में परिणमित होने वाला जीव स्वरूप से परिणमित होता हुआ जीव उदासीनता को प्राप्त होता है स्वरूप में रहने वाला जीव उदासीनता को प्राप्त होता है सहज उदासीनता ये जीव का स्वभाव है परंतु जीव अपने त्रिकाली चैतन्य स्वरूप में रहना नहीं सीखा जो अपने त्रिकाली चैतन्य स्वरूप में दृष्टि देकर के रहता है वो सहज रहता है मैं तो ध्रुव हूँ में इनका कोई असर नहीं पड़ता बाह्य पदार्थों का नहीं पर्यायों का नहीं ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पदार्थ है उसको दृष्टि में लेकर के जो जीव आनंद मग्न रहता है त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि दे के अरे प्रभु तुम कैसे बात करते हो भैया मुझे क्या पता मैं कैसे बात कर मैं तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का आश्रय लेकर के रहता हूँ मेरा लक्ष्य भी बोलने के ऊपर नहीं है कोई प्रशंसा करे तो नहीं करे तो प्रशंसा करता है तो नहीं करता है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई निंदा करता है तो कोई पीटता है तो पाप का उदय आता है तो पाप का उदय मुझे कोई अनिष्ट नहीं पुण्य का उदय मेरे लिए कोई इष्ट नहीं लेकिन यह अज्ञानी जीव की अनादि की प्रवृत्ति है कि पुण्य के उदय को इष्ट मानना पाप के उदय को अनिष्ट मानना यह अनादि की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति हाजी इसके इसके संदर्भ में बोलना है अपने जो क्षमा क्षमा अपना की ना अपन तो जब भी हम पढ़े लाजन भाई को कि जो जो जीव अपने को परिणाम परिणाम सहित मानता है परिणाम मेरे में है ही नहीं परिणाम नहीं है तो ऐसी जो विचारधारा में जो डूबने वाला है वो दूसरों की क्षमा कैसे मांगे ऐसा बोले कि मैंने आपका कभी कुछ किया नहीं है मैंने मैं करने वाला भी नहीं हूँ और करता भी नहीं तो वो वो वो, वो जीव दूसरों की क्षमा कैसे मांगे आ, नहीं मांगे ना मांगने की जरूरत ही नहीं है अपने आप को क्षमा कर दिया अपने आप को अज्ञान से मुक्त कर दिया है ना एक पंक्ति और कहता हूं कि आपने आपको परिणाम सहित मानना ऐसा जो परिणाम है वो ही अपराध है और अपने आप को परिणाम रहित मानना यही परिणाम सच्ची क्षमा है बराबर कि पहले आपको ये मान मानना पड़ेगा कि मैं अपराधी हूं या सामने वाला अपराधी है मैं अपराधी हूं तो क्षमा मांगूंगा है ना और मैं अपराधी हूँ तो क्षमा मांगूंगा और सामने वाला यदि अपराधी है तो कहूंगा कि तू भी क्षमा मांग जब पर्याय रहित पने की बात आती है दूसरी भाषा में कहे कि निश्चय में व्यवहार शोभा नहीं देता जब त्रिकाली शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा की बात चलती है तो ये व्यवहार है क्षमा मांगना और नहीं मांगना ये तो सविकल्प दशा के कार्य है सविकल्प दशा में क्षमा मांगी जाती है और जो निर्विकल्प होकर के सविकल्प होता है वही सच्ची क्षमा मांगता है जो विकल्प विकल्प में रह करके क्षमा मांगता है उसकी क्षमा भी सच्ची क्षमा नहीं त्रिकाली चैतन्य गायक भगवान आत्मा का अनुभव करके जो दूसरे से क्षमा मांगता है पूज्य गुरुदेव श्री की तरह कि किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करें और पूर्वक सविकल्प जीव की क्षमा है कि मैं अपने आप को द्रव्य रूप अनुभव करता हूँ तुम भी अपने आप को द्रव्य रूप अनुभव करो मैंने यदि किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा मांगता हूँ तुम भी किसी को पर्याय दृष्टि से देखते हो तो क्षमा मांगो द्रव्य दृष्टि से द्रव्य दृष्टि में और निश्चय में क्षमा का व्यवहार नहीं होता प्रकट करो बिल्कुल 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 इससे बिना हाँ जी इसके बिना तो नहीं मतलब चलता ही नहीं है साहब भी नहीं आता जीवन ही नहीं है त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की बात आती है तो व्यवहार को जरा भी याद मत करो व्यवहार बिगड़ जाए नष्ट हो जाए नाश ही करना है उसका क्या लेना तो क्या है की कि कितना भी क्षमा मांगो सामने वाले में कसा है तो आपके मांगने से क्या फर्क पड़ रहा है और यदि क्षमा नहीं भी मांगो और सामने वाला भी इतरा गए तो क्या फर्क पड़ता है यशोधर मुनिराज केरला को और क्या कहते हैं रावण को श्रीनिक को दोनों को क्षमा कर दिया एक ने उत्सर्ग करना वाला है राज श्रीमद रायचंद भी कहते हैं कि जो उत्सर्ग करता के प्रति भी उदासीन रहता है सच्चा उदासीन जीव तो वही बहुत गजब 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 हाँ जी हाँ जी बात बहुत अच्छा बात किया अच्छा हाँ हाँ सबसे पहले तो अपनी दृष्टि सम्यक बना लो त्रिकाली चैतन्य को देख करके अपने आप को सम्यक दृष्टि बना लो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की अपनी पर्याय में स्थापना करके अपने आप को त्रिकाली चैतन्य गायक भगवान आत्मा ही अनुभव करो सबसे पहले अपने को जानो और अपने को ज्ञायक जान। ही जानो बस ये मूल मंत्र है नमोकार मंत्र से भी बड़ा ये सबसे पहले अपने को जानो अपने को ज्ञायक ही जानो ये मूल मंत्र है महामंत्र है जनवाणी का है, समय सार का सार है पूज्य गुरुदेव श्री के मेहनत का फल है ये अपने आप को जानो और अपने आप को गायक ही जानो न मैं करता हूँ न कर्म हूँ न कुछ है न न विकार हूं न विकार रहित मैं बंद भी नहीं मोक्ष भी आश्रो भी संवर भी नहीं निर्जरा भी नहीं है अगला श्लोक पढ़ते हैं रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभाव स्वभावस्पृश पूर् पूर्वा पूर्वागामि समस्तकर्म विकला भिन्नास्तदात्त तदात्तोदयात् दूरारूढचरित्रवैभवबला चञ्च चञ्चिद् अर्चिमयि विंदी सर सात भेतना ये ज्ञान से संचे अंतिम पंक्ति अंतिम जो शब्द है बहुत ही गजब के है वो कहते हैं कि ज्ञान की चेतना का अनुभव करो मैं ज्ञान चेतना स्वरूप हूँ है ना भावार्थ में तीनों चेतना लिखी है कर्म चेतना कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना न मैं कर्म चेतना हूँ न कर्म फल चेतना हूँ मैं तो ज्ञान चेतना हूँ ये ज्ञान से संचेतना है ना तो भावार्थ में तो बताया ज्ञान चेतना स्वरूप मेरा रूप है गायक त्रिकाली चैतन्य गायक भगवान आत्मा को मैं हूँ ऐसा अनुभव करना यही ज्ञान चेतना है त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा ऐसा त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञान पिंड का ज्ञान से त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञान पिंड का संचेतन करना संचेतना आ भाई लोगों ये देखो क्या लिखा है कि यहाँ पर चैतन्य गायक भगवान आत्मा की संचेतना को ज्ञान चेतना कहा हिंदी गुजराती में पढ़ेंगे तो ज्ञान चेतना अर्थ निकले लेकिन हमारे पास वो बंधन नहीं है वो भी है और ये भी है कि ज्ञान से संचेतना ज्ञान की संचेतना को ज्ञान चेतना कहते हैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य गायक भगवान आत्मा को अपने भीतर ज्ञान पर्याय में चेतना अर्थात तो उसमें लीन हो जाना ज्ञान रूप अनुभव करना चैतन्य त्रिकाली पिंड ज्ञायक भगवान आत्मा की चेतना चेतना का मतलब ज्ञान दर्शन नहीं उस रूप अनुभव करना त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा वही मैं हूँ ऐसा जो अपना ज्ञान स्वरूप है उस ज्ञान स्वरूप को गायक से जोड़ के रखना यही ज्ञान चेतना है ऐसा जो ज्ञान का संचेतन है ज्ञान का ऐसा जो संचेतन है बात समझ में आ गई कि ज्ञान कैसा जिससे ज्ञान से ज्ञान मिलाने की बात है वो ज्ञान कैसा देखो पहली लिटी में राग द्वेष मुक्त ऐसा है त्रिकाली शुद्ध भगवान कि जो अनादि काल से राग द्वेष होते आए हैं राग द्वेष के काल में भी त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा राग द्वेष से तो मुक्त ही था ना? और राग द्वेष मुक्त महस महस कहते तेज को कि उसका तेज न कर्म से ढक पाया है न विकारों से बंद हुआ है द्वेष के काल में भी चैतन्य गायक भगवान आत्मा का ज्ञान उसका स्वरूप तो सदा काल उनके ऊपर ही निकल करके आया है नित्यम वो आज की बात नहीं अनादिकाल से उसका स्वभाव ही ऐसा है स्वभाव स्पृश ऐसे अपने चैतन्य चमत्कार रूप स्वभाव को स्पर्श करने वाला है स्वभाव जिसका मतलब स्वभाव को छूने वाला ही है स्वभाव जिसका अलंकारिक भाषा हो जाएगी कि स्वभाव को छूना ही है स्वभाव जिसका ऐसा पूर्व आगामी समस्त कर्म जो अब तक कर्म हुए हैं वो पूर्व के कर्म जो भविष्य में कर्म होंगे वो समस्त कर्म और अब कैसे कि ये तो समस्त कर्म इनसे तो रहित है ही भिन्ना ऐसे समस्त कर्म के विकल्प ऐसे समस्त कर्मों के विकल्पों से रहित हैं है ना ऐसे समस्त कर्मों के मतलब भूतकाल के कर्म से रहित है भविष्य के कर्म के रहित है और तदात्व तदात्व मतलब वर्तमान वर्तमान में जो कर्म उदय में आ रहे हैं उन कर्मों के उदय से रहित है भूतकाल के कर्म और कर्म के उदय से रहित हैं भविष्य काल के कर्म और कर्म के उदय से रहित है तदात वर्तमान काल के जो उदयात कर्म के उदय है देखो दो बातें आर्त ध्यान है ना उनियों को भी होता है और आर्त ध्यान वो अज्ञानी चौथे गुणस्थान वाले भी पहले गुण स्थान वाले अज्ञानी चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी पांचवे गुण स्थान वाले अनुरति और छठे गुण स्थान मुनियों को भी कदाचित कभी कभी आत्मज्ञान होता है तो उसका उत्तर इतना समझना कि चौथे गुणस्थान में पहले गुणस्थान में पांचवे गुणस्थान में वो कषाय के उदय से होते हैं और छठे गुणस्थान में कषाय के उद्रेक से होते हैं बात समझ में आ गए कि भूतकाल के जो कर्म है भविष्य काल के कर्म हैं, वो तो मिट्टी के समान है लेकिन वर्तमान में जो कर्म है उदय में आए हुए हैं तो ये जो है आज जीव नित्य ही दूरा दूर आरूढ़ चरित्र व्यव्य गजब के शब्द ऐसा है ना कि जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी इसी विचार से क्या करता है कि वो दूर से ही आरूढ़ हो जाता है पहुंच जाता है मतलब भूतकाल के कर्म मेरे से भिन्न थे और भविष्य काल के कर्म भी मेरे से भिन्न है वर्तमान काल के कर्म जो उदय में आ रहे हैं वे कर्म भी मेरे से भिन्न है और उस उदय से मैं भिन्न हूँ ऐसा जो जीव विचार करता है वो जीव अपने चारित्र रूपी वैभव पर बलात् मतलब पराक्रम करता हुआ शक्तिशाली होता हुआ पुरुषार्थ करता हुआ आरूढ़ हो जाता है बात समझ में आ गई और न केवल वो अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करता है उस पर आरूढ़ होता है बल्कि क्या करता है कि वो चंचत सिद्ध अर्चमयी अपने ज्ञान प्रकाश का पुंज वहा अनुभव करता है अनुभव के काल में अपने गायक महिमा की ज्ञान से अपने आप को भर लेता है और गायक की महिमा वाले ज्ञान जो ज्ञान पुंज है चंचत ज्ञान रूपी प्रकाश से चंचत मतलब प्रकाशमान ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान की किरणों का वो अनुभव करता है अनुभव के काल में जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में त्रिकाली तुर्णेक शुद्ध चैतन्य आत्मा की अनुभूति जैसा ऐसा होता है ना समय नहीं है कि जो अन्य मत वाले हैं वो गणपति की स्थापना करते हैं दस दिन वो गणपति की घर में सत्ता से कुछ अलग ही प्रकार का अनुभव करते हैं ऐसे ही त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा को ज्ञान में लेकर के उस ज्ञान का किस ज्ञान का कोरे ज्ञान का नहीं त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा को ज्ञान में बिठा करके उस ज्ञान की महिमा मतलब उस ज्ञान की पर्याय में जिस ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा बैठा हुआ है वो ज्ञान की पर्याय तो चंचत है न चमकदार ऐसे चिदानंदमयी है उर्मियों से लहरों से वो भरी हुई है और विंदंती प्राप्त करते हैं विंदंती अनुभव करते हैं प्राप्त करते हैं किसको प्राप्त करते हैं, हैं। देखो आगे क्या लिखा है वो अपने स्वरस अभिषिक्त भुवन लो पहले बारिश नहीं हो रही थी तो हमारे चैतन्य गायक भगवान आत्मा रूपी त्रिकाली चैतन्य परमात्मा रूपी भवन पर विकार की अज्ञान की धूल बैठी हुई थी जब स्वरस अपने त्रिकाली चैतन्य गायक भगवान आत्मा के अनुभव रूपी रस अर्थात पानी से उस पर्याय को त्रिकाली चेतन्य आत्मा को धो दिया अभेद विवक्षा में भेद विवक्षा में पर्याय में से गर्मलिनता गंदगी दूर हो गई और वो जीव ज्ञान संचेतना को प्राप्त हो जाता है ये ऐसी महिमा बताई त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की ज्ञान चेतना की इसमें महिमा बताई सार इतना ही है कि त्रिकाली चैतन्य गायक भगवान आत्मा का अनुभव करने से मिथ्यात्व दूर होता है और वस्तु स्थिति को जानकर उसमें लीन होने से अज्ञान दूर होता है ऐसा मिथ्यात्व अज्ञान दूर करने की ये प्रक्रिया थी बाकी चर्चा अगली बार बहुत सुंदर है ये <laughs> अच्छा है सभी आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी है आज बहुत जोरदार हम्म <laughs> तो, तो स्वामी जी की कृपा है जी उन्हीं से छाया प्राप्त करके आराम करते तो संस्कृत से पढ़ने पर बहुत ज्यादा आनंद आता है गजब पंडित जी गजब हाँ जी आपने वो जो कहा कि जीव कल्पना करता है शुभ अशुभ या अच्छे बुरे की हाँ जी तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि अभी आग है तो मुझे कल्पना नहीं होती है वो मुझे ज्ञान होता है कि मैं इसमें जल जाऊंगी तो मैंने अग्निवेष किधर किया मैंने किधर अशुभ भाव किया वो तो मेरा ज्ञान में आया कि ये समझ मेरे को बच के रहना चाहिए तो उसमें, उसमें कल्पना क्यों कहा वो तो इसे ज्ञान है ना बताओ बराबर हो गया प्रश्न जी जी थैंक यू अग्नि मुझे जलाती है यही अज्ञान है अग्नि मुझे जलाती नहीं जिसको मैं मुझे जलाती कहता हूं वो मेरा शरीर है और शरीर मैं नहीं हूं बात समझ में आ गई जी चारे. कि पहले हाँ पहले अज्ञान दूर होता है फिर बाद में राग द्वेष दूर होते हैं बहन बराबर आत्मा को तो कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ता है बाहर जो होता है बराबर है थैंक यू बहुत शुक्रिया तो दिमाग में नहीं पूछा था थैंक यू बधा ने जय जनदा जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जून जय चंद्र बताइए